छिंदवाड़ा के बीजेपी जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू और पूर्व कैबिनेट मंत्री चौधरी चंद्रभान के बीच का विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब ये विवाद भोपाल तक पहुंच गया है। चंद्रभान से नाराज बंटी साहू बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ रविवार को भोपाल बीजेपी मुख्यालय पहुंचे। यहां बंटी साहू के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने चंद्रभान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं साहू ने शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात कर अपनी बात रखी। दरअसल छिंदवाड़ा में दो दिनों से सोशल मीडिया में बंटी साहू को लेकर एक लोकल अखबार के नाम से पोस्ट शेयर की जा रही थी, जिसमें उनके चरित्र को लेकर सवाल उठाए गए थे। इसे लेकर विवेक बंटी साहू शनिवार को सिटी कोतवाली थाना पहुंचे थे और 8 लोगों के खिलाफ कार्रवाई के लिए नामजद आवेदन किया था। बंटी का कहना है कि चौधरी चंद्रभान सिंह के समर्थकों ने ही भ्रामक पोस्ट शेयर कर उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया है। पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी जिला संगठन और मुझे एक षड्यंत्र रचते हुए बदनाम करने का प्रयास छिंदवाड़े में किया गया। उसमें हमारे कुछ लोग हमारे और कांग्रेस के लोगों के साथ मिलकर के उन्होंने षड्यंत्र रचा था। उस विषय पर आज हमारे छिंदवाड़ा जिले के पांचों भाजपा के प्रत्याशी, हमारे संगठन के तीनों महामंत्री और बड़ी संख्या में मंडल अध्यक्ष आए। हम लोगों ने यहाँ पर आकर के माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी वीडी शर्मा जी को पूरी जानकारी दी है और निश्चित तौर पर हमें पूर्ण विश्वास है हमारे संगठन के ऊपर और जल्द से जल्द इसमें हम लोगों ने कार्रवाई की मांग करी है और संगठन जल्द से जल्द इसमें कार्रवाई। वहीं इन आरोपों पर चंद्रभान सिंह ने कहा कि किसी का चरित्र हनन करना गलत बात है, इस सारे मामले में उनका नाम जोड़ना शर्मनाक है। आगे उन्होंने कहा कि हम पुलिस से मांग करते हैं कि सारे मामले की निष्पक्षता से जांच की जाए। देखिए, एक तो पहली बात, अगर कोई इस प्रकार का चरित्र हनन का कर रहा है तो वो खराब बात है। थाने में रिपोर्ट दर्ज हुई है, पुलिस जांच करे और कार्रवाई करे। हम किसी के चरित्र हनन के कोई पक्षधर आदमी नहीं। किसी ने अगर इस प्रकार का कुछ किया है तो वो गलत बात है, उसकी निंदा करते हैं और पुलिस जांच करके उस पर कार्रवाई करें। मेरा कोई ऐसा सबरे पूरे कार्यकर्ता है, कोई मेरा व्यक्तिगत समर्थक नहीं है। बलराम जिसका नाम लिया ने, बलराम विश्वकर्मा और नीति राज रघुवंशी, ये दोनों से इसके व्यक्तिगत झगड़े। नीति राज की पत्नी के से ने संभा के उसके बारे में उल्टी सीधे कमेंट छपवाया, उल्टी सीधी बातें कहलवाया। बलराम विश्वकर्मा की मशीन पे इसने छापा डलवाया, उसके खिलाफ दुनिया भर की शिकायत, जांच, उसको अपमानित और जलील उसको किया। इसका दोनों से व्यक्तिगत झगड़ा है, कि दोनों से मेरा कोई बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है और इसलिए मैं समझता हूँ कि पता नहीं किन परिस्थितियों में बंटी भैया ने इस प्रकार की बातें की। मैं भी जब मैंने इसको सुना तो मुझे बड़ा दुख हुआ। इस पूरे मामले पर थाना कोतवाली की टीआई ने क्या कहा, सुनिए। आज हमारे थाना कोतवाली में श्री विवेक बंटी साहू जी उपस्थित आके एक शिकायत पत्र दिए हैं और उनके द्वारा शिकायत की गई है कि कुछ कथित लोगों द्वारा जो है उनकी छवि को धूमिल किया जा रहा है और अनर्गल बातें सोशल मीडिया और एक फर्जी पेज जो कि अखबार का है, जबकि वो अखबार वाले उसको डिनाई कर रहे हैं और वो पेज लगाकर और उनकी छवि को धूमिल किया जा रहा है। इस प्रकार के तत्वों पर कार्रवाई के लिए उन्होंने एक आवेदन दिया है। इसमें लगभग 6-8 नाम और उनके मोबाइल नंबर से उन्होंने दिए हैं जो कि लगातार फॉरवर्ड कर रहे हैं और इस पर कोई षड्यंत्र है ऐसा उनका कहना है। इस पर पूरी जांच की जा रही है, वो आवेदन हमने रिसीव कर लिया है और जिन लोगों द्वारा इस प्रकार का कृत्य किया जा रहा है वगैरह तथ्य के आधार पर, ये जो किसी की छवि धूमिल करने के लिए अनर्गल सोशल मीडिया में एक नाम लिया था, तो इसमें जो है कार्रवाई जो है लीगल कार्रवाई जो बनती है वो तत्काल कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। लोकसभा चुनाव के पहले छिंदवाड़ा बीजेपी की इस अंतरकलह को बीजेपी आलाकमान सुलझा पाएगा या नहीं, ये तो देखना होगा। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव में छिंदवाड़ा की 7 सीट से बीजेपी को हार मिली थी। भोपाल से रविशपाल सिंह के साथ छिंदवाड़ा से पवन शर्मा की रिपोर्ट, एमपी तक।